हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो टेली के ऊपर आधारित है। और जैसे कि 6.4 में कंपोजिशन डीलर के लिए एक ऑप्शन आया है, आप लोगों को पता ही होगा कि जीएसटी के अंतर्गत दो टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर में जो बंदे आते हैं, जो दुकान वगैरह जो भी आएगा वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कंपोजिशन डीलर मीन्स क्या होता है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं। कंपोजिशन में स्कीम में क्या होता है कि वो उनके लिए कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं है, बट जो ओवरऑल टर्नओवर होगा उनका 1% उनको टैक्स देना होगा। देखिए, 1% जो है ये है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए, और जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं उनको देना होगा 5%। तो ये सारा चीज जो है हम लोग टैली में करके देखेंगे अभी कि किस प्रकार से हम लोग टैली में कंपोजिशन डीलर लेंगे और उनका जो जीएसटी का सेटअप होगा वो देखेंगे। कंपोजिशन डीलर अगर कंपोजिशन डीलर से परचेज करता है तो उसका एंट्री किस प्रकार से करेंगे, और कंपोजिशन डीलर अगर रेगुलर बंदा से अगर परचेज कर रहा है तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, ये सारा हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। तो सबसे पहले आज के क्लास के लिए कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। माई शॉप नाम का एक कंपनी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये कंपनी मेरा उड़ीसा में है तो मैं स्टेट उड़ीसा सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसका जो बिगनिंग डेट है वो मैं 1/1/2018 रख रहा हूँ। ये कंपनी हमारा क्रिएट हो गया। अब देखिए, कंपोजिशन डीलर आज का क्लास जैसा कि कंपोजिशन डीलर के ऊपर में है ना, तो कंपोजिशन डीलर का जीएसटी को किस तरह से हम एनेबल करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से हम F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, और फिर यहाँ पे अनेबल गुड्स एंड सर्विस लिखा हुआ रहेगा, इसको आप यस करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हम यस कर लेंगे। और उसके बाद में फिर इंटर मारेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखिए, 6.4 टैली का नया वर्जन जो है हमारा 6.4, इसमें ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है, रेगुलर और कंपोजिशन। तो आज का क्लास हमारा कंपोजिशन डीलर के ऊपर है, तो हम लोग कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वाई प्रेस करिएगा यस के लिए, अदरवाइज आप नो दबा दीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है कंपनी का वो डाल दीजिएगा। मैं एजुकेशन वर्जन टैली यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि उड़ीसा का स्टेट 21 होता है, उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट देना होता है, उसके बाद 4 नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट, फिर एक नंबर, उसके बाद Z5। तो देखिए, इसीलिए इस कारणवश यहाँ पे इनवैलिड जीएसटी टीन दिखा रहा है। अगर ओरिजिनल जीएसटी नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस क्लास में हम लोग ई वे बिल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ई वे बिल जो था इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस ऑप्शन को मैं नो कर दूंगा। और यहाँ पे फिलहाल मैं एनेबल टैक्स ऑफ फोर परचेज, अगर रिवर्स चार्ज है जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में रिवर्स चार्ज लगता है तो ऐसा केस में इसको हम लोग को यस रखना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में ही आपको रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए से इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सबसे पहला एंट्री जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, अगर एक कंपोजिशन बंदा दूसरे कंपोजिशन बंदा से सामान परचेज करता है तो उसका एंट्री किस प्रकार से हम लोग पास करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और मैं आपको लेके चलता हूँ परचेज वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे तो परचेज का वाउचर ओपन हो जाता है। उसके बाद पार्टी का नाम, मतलब जिस व्यक्ति से हम सामान परचेज कर रहे हैं उसका नाम चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपोजिट डीलर, और उसके बाद इसे मैं डाल देता हूँ CR, ये हमारा सैंडी क्रेडिटर है। उसके बाद यहाँ यस करेंगे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप जो रहेगा यहाँ पे भी हम लोगों को कंपोजिशन लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पे उस बंदे का जो जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ हम पुट अप करेंगे, और फिर इसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर परचेज का एक लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज का जो लेजर बनेगा उसके लिए ग्रुप हम लोग परचेज अकाउंट लेंगे, और देन यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है हमें।
यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम गुड्स ले लेंगे और फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम, तो अल्ट सी हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हैं यहाँ पे आप आइटम का नाम दीजिएगा, यहाँ पे उसका यूनिट दीजिएगा और उसके बाद में फिर इसको आप यस करिएगा। देन आइटम का जो जीएसटी रेट है उसको आप यहाँ डालिएगा, देन इंटर मारिएगा, यहाँ पे टैक्सेबल लीजिएगा और यहाँ पे जीएसटी का जो भी रेट है उसको यहाँ आप डाल दीजिएगा, फिर इंटर मारते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो आप यहाँ डालिएगा, जो रेट है क्वांटिटी का वो आप यहाँ डालिएगा। और उसके बाद एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस कंपोजिशन डीलर कोई के लिए कोई भी ITC अवेलेबल नहीं होता, ITC अवेलेबल नहीं होता, दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम जिस बंदा से सामान खरीद रहे हैं वो एक कंपोजिटर, हम लोग तो कंपोजिशन डीलर में आते ही है, स्कीम में आते ही है, बट जिस बंदा से हम लोग सामान खरीद रहे हैं वो भी एक कंपोजिशन डीलर है, तो वो हम लोगों से टैक्स नहीं कलेक्ट करता है। दैट मीन्स कि परचेज का एंट्री अगर आप पास कर रहे हैं और ये परचेज आप कोई कंपोजिशन डीलर से कर रहे हैं तो आपको इसमें टैक्स का लेजर इंक्लूड नहीं करना है। इसको सिंपल आप इस प्रकार से पोस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एक कंपोजिशन डीलर अगर रेगुलर बंदा से अगर परचेस कर रहा है तो उसका एंट्री किस प्रकार से टैली में हम लोग पास करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे पार्टी का नाम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेगुलर, ये बंदा जो है ये रेगुलर बंदा है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं, ये हमारा क्रेडिटर है तो मैं क्रेडिटर ही लिखूंगा और इंटर मारते हुए हम आगे जाएंगे। और यहाँ पे ये जो बंदा है ये उड़ीसा का ही है, ठीक है ना, दैट मीन्स हम लोग लोकल परचेस कर रहे हैं, इंटर मारेंगे और फिर यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो है इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप जो है यहाँ पे हम रेगुलर रहेंगे और यहाँ पे इस बंदे का जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद फिर परचेस का लेजर लेंगे, फिर जो आइटम ले रहे हैं आप उस आइटम को क्रिएट कर लीजिएगा। मैं उसी आइटम को ले रहा हूँ, प्रीवियस जो आइटम मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ, रेट भी वही ले रहा हूँ। बट अब देखिए जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो उनका ITC रहता है तो वो हम लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे एक CGST का लेजर क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम रेगुलर बंदा का रजिस्ट्रेशन वाला जब इंट्री कर रहे थे तो CGST का लेजर हम लोग कहाँ बना रहे थे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जा डाल रहे थे जो इसका ग्रुप था। बट यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर मारिएगा, फिर यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लेजर में आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा CGST है तो दैट मीन्स ये सेंट्रल टैक्स है तो यहाँ से हम लोग सेंट्रल टैक्स का लेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है अप्रोप्रिएटेड टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, इसको यस रखा इसलिए जाता है कि देखिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग दे रहे हैं, जैसे टैक्स जो हम लोग पेड कर रहे हैं तो वो तो हम लोग ITC मतलब हम लोग कलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट वैल्यू में अगर उसको हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस रखिएगा, नहीं करना चाहते तो आप नो रखिएगा, ठीक है। जैसे कि कोई सामान हम लोग 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 18% उस पर टैक्स है तो आप अगर उसका कॉस्ट प्राइस 118 रखना चाहते हैं तो आप इसको यस करिएगा, आप सिर्फ 100 रखना चाहते हैं तो आप नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद में इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे CGST जो है वो कैलकुलेशन हो गया है। उसी प्रकार से हम लोग SGST का भी एक लेजर बनाएंगे, ये भी हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ जो लेजर होगा यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्टेट टैक्स लेंगे और फिर इंटर मारते हुए हम लोग सारा चीज़ वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग CGST का लेज़र बनाए थे और एक्सेप्ट करेंगे तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा किस प्रकार से हम लोग कंपोजिशन डीलर से हम लोग परचेस करेंगे और किस प्रकार से हम लोग रेगुलर डीलर में
हम लोग रेगुलर डीलर से परचेस करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अब हम लोग सेल करेंगे, जैसे कि चलिए मैं चलता हूँ अकाउंटिंग में और फिर F8 में चलते हैं हम लोग। F8 से क्या होगा, मतलब सेल वाउचर में जाने के लिए हम लोगों को F8 दबाना होता है। तो अब हम लोग परचेस किए तो कुछ सेल भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और मान लीजिए कि अगर आप कोई कंपोजिशन बंदा, अब देखिए सेल में क्या है कि आप कंपोजिशन से ले चाहे आप रेगुलर से दे ले, आप एक कंपोजिट डीलर है तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो आप सिंपल आप टैक्स नहीं करेंगे तो टैक्स का लेजर भी आपका जो सेल इनवॉइस में रहेगा आप नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेगुलर ही लेता हूँ, चलिए ये बंदा जो रेगुलर डेटर है हमारा, और इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, इसको हम लोग डालेंगे DR में, सेंडी डेप्टर्स में डाल के इंटर मारेंगे, आगे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे इसको हम लोग और रेगुलर ही रखेंगे, और जो GST नंबर है वो यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो मैं गलत दे रहा हूँ शायद, फिर से मैं इसको यस करता हूँ और एक बार फिर से देता हूँ 21 5 अल्फ़ाबेट, फिर 1 2 3 4 A1 Z5, हाँ अब ठीक है। देन इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे और सेल यहाँ पे कर रहे तो यहाँ पे हम लोग सेल का लेजर बनाएंगे, इंटर मारेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल अकाउंट लेंगे और फिर इंटर मारते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो आइटम हम लोग परचेस किए थे, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 10 आइटम बेच रहा हूँ और रेट जो है हम लोगों ने इसे 500 रुपये में ख़रीदा था, मान लीजिए हम लोग 600 रुपये में इसको बेच रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। तो अब हम लोग को टैक्स कितना भरना होगा, जैसे कि ये जो है ये ट्रेडर अकाउंट है तो ट्रेडर अकाउंट्स को टर्नओवर में 1% का टैक्स पेड करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और क्वार्टरली हम लोग को GSTR4 रिटर्न फाइल करना होता है, तो स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और GST में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए GSTR4 दिखेगा। जैसे इसमें जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने सेल किया था तो टर्न ओवर ऑफ टैक्सेबल एट 1% डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स अभी का जो सेल है इसका आपका 60 रुपये का टैक्स देना है। इसी प्रकार से पूरा 3 महीना में जितना भी आपका टर्नओवर हुआ रहेगा, सेल किए रहेंगे, उसका 1% आपको टैक्स पेड करना होगा, ठीक है। टैक्स पर पेड करने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग स्टेटरी पेमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे GST लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे डेट ले रहा हूँ 1/1/2018 से 31/3/2018, 3 मंथ में इसको फाइल करना होता है। तो यहाँ पे मैं कंपोजिशन लूँगा और यहाँ पे मैं कैश लूँगा और उसके बाद में अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था टोटल टर्नओवर का जो हमारा 1% का टैक्स था वो 60 रुपया, तो यहाँ पे एक लेज़र हम लोग बनाएंगे। लेज़र मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टैक्स COMPSTION कंपोजिशन टैक्स या फिर टैक्स कंपोजिशन, ठीक है। और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हुए यहाँ पे एप्लीसेबल के बजाय हम लोग इसको नॉट एप्लीसेबल रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे जितना अमाउंट का टैक्स होगा आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, मतलब जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 1% का जो टैक्स बन रहा होगा GSTR4 में जैसा हम लोगों ने देखा वो अमाउंट यहाँ देंगे और नीचे में यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग यस करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से, मतलब हम लोग पेमेंट किए हैं, पेमेंट का जो मोड क्या है वो सारा यहाँ डिटेल देंगे और इसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सेल जो हम लोगों ने किया था तो सेल का यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे सेल का अगर हम लोग प्रिंटआउट निकालेंगे अगर तो अल्ट और पी दबाएंगे तो उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं यस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए कंपोजिशन टैक्सेबल परसेंट नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ठीक है ना। मतलब जो भी हम लोग सप्लाई करेंगे उसके ऊपर टैक्स हम लोग नहीं ले सकते, बाकी सारा आइटम का नाम वगैरह जो भी है इनवॉइस इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।